अगर 18 साल से ज्यादा भी है तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप हवालात के अंदर जाएंगे। वन में जा रहे हो भाई? जी सर। क्यों? यहाँ कैसे यू टर्न लेना है सर? मेरा चलान हुआ है वन वे का, मेरा 2000 रुपए का चलान हुआ है, एक हफ्ता हुआ है। कैमरा बंद करवाए फिलहाल, घर वाले देखेंगे माइंड करेंगे, मेरे ऊपर गुस्सा होगा। अंकल जी आप तो सुधर जाएं। और कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा, ये ऑटो वाला भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ओए ओए अभी ये लग जाना था यार, ये कितना बेवकूफ इंसान है। मुझे देख के उसने यू टर्न लिया लेकिन ये नहीं देखा कि आगे से गाड़ी आ रही है। मैं अभी यहीं से निकला हूँ लेडी वेलिंगटन के पास ना, मेरा कपड़े का काम है तो वो गाड़ी वाले ने पार्सल लेकर आना, वो उसने मुझे जल्दी भरी डाली हुई है, इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ मेरे जाते जाते अगर आगे लेडिंग लीडिंग जाते जाते आप हवालात के अंदर चले जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले तो लंघ जाते हैं, तेरा तो जालमा रक्षा है क्या? ये रक्षा है, रक्षा वन वे लेके जा रहे हैं। रक्षा सवारी ने कहा से उनकी कार मजबूरी है, की करी तो आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे? स्कूल से आ रहे हैं। उम्र 18 साल है। बाइक किसने पकड़ाई है आपको? बाइक घर वालों ने। घर वालों को पता नहीं है कि आजकल बच्चों को हवालात के अंदर दे रहे हैं? यकीन मानो ये लोग बेशरम हो चुके हैं, इतनी सख्ती के होने के बावजूद भी ये लोग वन वे आ रहे हैं, वन वे आ रहे हैं। और रॉन्ग वे आपको पता भी है, सीधा सीधा आजकल आईजी साहब ने कहा है कि सीधा सीधा इसको हवालात में दो क्योंकि पर्चा है। और ये लोग वन वे आते हैं, शर्म नहीं आती? रुक जाओ भाई, वन वे जा रहे हो भाई? जी सर। क्यों? यहाँ कैसे यू टर्न लेना है? आपको पता है कि आईजी साहब के सख्त ऑर्डर हुए हैं हाई कोर्ट के कि कोई भी गैर कानूनी या कोई वॉलेशन करता है। सर मेरा चलान हुआ है वन वे का, वन वे का चलान हुआ है। चलान हुआ है? बैठे कितने का चलान हुआ है? मेरा 2000 रुपए का चलान अब हुआ है, एक हफ्ता हुआ है। एक हफ्ता हुआ है जी, तो इसका मतलब आप वन वे चलाएंगे? नहीं अभी जा रहा हूँ, अभी ही जा रहा हूँ। नहीं 2000 का चलान करवा लिया तो इसका मतलब अब आप पूरा हफ्ता वन वे जाएंगे? नहीं भाई, देखे ना वॉलेशन तो वॉलेशन है, आजकल आपको पता है हवालात में दे रहे हैं, बिल्कुल सीधा पर्चा दे रहे हैं, बिल्कुल पर्चे से भी डर नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता? रोजी कमाने के लिए निकले। अगर आगे दो पुलिस वाले खड़े हों तो वो पकड़ के सीधा थाने ले जाएं, हवालात में दे रहे हैं, वो तो सीधा सीधा इस्तखासा दे रहे हैं। ऐसे ही है, कैमरा बंद करवाएं फिलहाल, आप कैमरा बंद करवाएं। कैमरा बंद करवाऊं? क्या हुआ? वैसे शर्म आ रही है? शर्म क्यों आनी है, मैं इधर कौन सा कोई रेप करता पकड़ा गया हूँ? नहीं नहीं आप कह रहे कैमरा बंद करवाएं, वन वे आ रहे, घर वाले देखेंगे माइंड करेंगे, मेरे ऊपर गुस्सा होगा। भाई वन वे आ रहे हो ना आप, गलत आ रहे हो ना। देखिए ना अगर कोई हादसा हो जाता है तो शर्म पछताएंगे कौन, बड़े माँ बाप? चले सर माजरत, माजरत माजरत। चलान जमा करवाया भी है कि नहीं? अभी नहीं करवाया, पापा को दिया हुआ है। अभी करवाया ही नहीं है एक हफ्ते से? क्यों? रिक्शे से 2000 निकलेगा तो करवाएंगे। 2000 निकला ही नहीं है? नहीं निकला। अच्छा कब निकालते हो रिक्शा? मैं शाम को निकालता हूँ, मॉर्निंग में मैं नाटकली सेलमैन हूँ। अच्छा सुबह के टाइम मॉर्निंग में सेल में नहीं करते? जी रिक्शा। हाँ जी। लाइसेंस बना हुआ है आपका? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है? रिक्शा दे आ रही क्या? मेरा अपना भी नहीं है। उम्र कितनी है? मेरी 20 साल है। 21 साल? देखो ना आजकल बहुत सख्ती हुई है भाई जी, तो सीधा सीधा इस्तखासा देते हैं, सीधा हवालात में बंद कर देते हैं। आपको पता नहीं है? पता है। अगर यहाँ से पकड़ के ले जाए आपको हवालात में बंद कर दे तो फिर क्या करोगे? कौन पछताएगा? माँ बाप भी पछताएंगे ना, फिर आपके पीछे पीछे भागेंगे। ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये देखें, हमारी आवाम ने नहीं सुधरना, चाहे हाई कोर्ट के ऑर्डर हो चाहे कोई भी हो। अंकल जी आप तो सुधर जाएं, आप तो सुधर जाएं, इतनी इतनी दाढ़ी है यकीन माने, सब वन वे जा रहे हैं। और वन वे पे 2000 का चलान भी है और सीधा सीधा FIR भी है। अगर आप वॉलेशन करते हैं, कानून की खिलाफ अर्जी करते हैं तो आप पर सीधा सीधा अब पर्चा होगा। अब ये लोग ये नहीं करेंगे कि भाई आईडी कार्ड दिखाओ या फिर लाइसेंस दिखाओ, अगर आपके पास नहीं है आईडी कार्ड भी और लाइसेंस नहीं है तो आप सीधा हवालात में जाएंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, अगर 18 साल से ज़्यादा भी है तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप हवालात के अंदर जाएंगे। तो आजकल बहुत सख्ती से ऑर्डर हुए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। ये देखें, ये देखें, ये जा रहे हैं, ये देखें। मौलवी साहब आफत साहब आप भी वन वे जा रहे हो यार? सर मैं बस वापस ही जाने लगा था आपको देख के ना, इतनी सख्ती हुई। मैं सिर्फ आपको देख के आया हूँ, मैं आपका इंटरव्यू देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, देखते हैं लेकिन वन वे मैं आपको देख के आया हूँ सिर्फ, यहाँ मैं गली में टर्न लेने लगा था। मुझे देखिए इधर आ जी, ना करो यार आपकी कसम।
भाई वन वे तो ना आना चाहो। मैं कह रहा हूँ आप, आपको आपको देख मुझे देखते देखते आपको पुलिस पकड़ के थाने ले जाएगी तो फिर क्या करेंगे? देख के आया सर सब कुछ, मैं देख के आया देखते देखते। अरे भाई मैं इधर से सामने टर्न लेने लगा था, मैं आपको आपका इंटरव्यू रोजाना देखता हूँ सिर्फ आपको देखते हुए। मेरे आपका व्हील वन वे है, आप मुझे देखते देखते आ गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से पुलिस आपको हवालात में ले जाए तो फिर क्या? नहीं मैं इधर से वापस मोड़ने लगा हूँ, आपको मिल ही है आपको, बस जा रहा हूँ। बहुत सख्ती से ऑर्डर हुए हैं, अब तो सीधा हवालात में बंद कर रहे हैं, तो ये हालात है जी, ये लोग बाज नहीं आते फिर भी, तो दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। तो मज़ीद आगे चलेंगे, आगे मज़ीद आपको दिखाएंगे कि वन वे की वॉलेशन कौन कर रहा है और ये लोग कितने बाज आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है, बच्चों को हवालात में बंद कर रहे हैं, तो मेरे साथ रहिए। देखें जी ये लोग बाज नहीं आ रहे, वन वे जा रहे हैं, इतनी सख्ती के बावजूद ये लोग वन वे जा रहे हैं। वार्डन वाला किधर है? कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा मुझे, और ये थाना भाटी के हदूद में है और कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा। ये ऑटो वाला भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ओए ओए अभी ये लग जाना था यार, ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, भाग्य है, मुझे देख के उसने यू टर्न लिया लेकिन ये नहीं देखा कि आगे से गाड़ी आ रही है। तो इतने बुरे हालात है यकीन माने। हमारे वार्डन वाले किधर हैं, पुलिस वाले किधर हैं, और इनको क्यों नहीं मना कर रहे हैं, और यहाँ से पकड़ कर हवालात में क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं इनको? क्योंकि जो डिफेंस में अफसोसनाक वाक्या पेश आया था उसके बावजूद, भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, हैं क्या करते हैं आप? मैं शॉप है मेरी, शॉप है आपकी। देखिए टीवी देखते हैं आजकल, सोशल मीडिया तो यूज़ करते होंगे, मोबाइल वगैरह, आजकल बहुत सख्ती से ऑर्डर हुए हैं हाई कोर्ट के भी और आईजी साहब के भी, कि जिसके पास लाइसेंस ना हो या कम उम्र हो और कोई वॉलेशन कर रहा हो तो उसको सीधा पकड़ के हवालात में बंद कर। हाँ जी ऐसे ही ऐसे तो डर नहीं लगता मेरे? नहीं नहीं मैं इस बात का पता मैं मुझे पता है, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। पता था? हाँ जी, लेकिन फिर भी आप? नहीं नहीं मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, मैंने एक मेरा पार्सल आया हुआ है कपड़े का। ये सब के रीज़न है? ये देखिए, ये दिखाएं ज़रा, इधर दिखाएं, ये सब के रीज़न है? सब वन वे जा रहे हैं, सबका अपना अपना रीज़न होगा। नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, आपको देख के वापस आए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी यहीं से निकला हूँ लेडी वेलिंगटन के पास ना, मेरा कपड़े का काम है, तो वो गाड़ी वाले ने पार्सल लेकर आना, वो उसने मुझे जल्दी भरी डाली हुई है, तो वन वे तो आना चाहोगे आप? यकीन माने कि वो सिर्फ दो मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं है। हाँ मेरे जाते जाते अगर लीडिंग जाते जाते आप हवालात के अंदर चले जाएंगे तो फिर माँ बाप परेशान होंगे। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप फिर आपके पीछे भागेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आपकी जमानतें करवाएंगे, आजकल बच्चों को हवालात में बंद कर रही है, आपको पता था? सर मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि मैं वन वे नहीं जाता, बस मजबूरी थी मेरी। चले जाएं आप, लेकिन ये एक की मजबूरी नहीं है, इन सब की मजबूरी है जो आ रहे हैं, वन वे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वार्डन वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा, पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा, ना मुझे वार्डन वाला नज़र आ रहा है इस रोड पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोड है और ख़तरनाक रोड है, यहाँ से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रही है, ये देखिए स्पीड से ट्रैफिक आ रही है, लेकिन ये तकरीबन आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर ये लोग ये नहीं करते कि यार ऊपर से चले जाएं, यू टर्न ले लें पुल के ऊपर से, ताकि हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन नहीं ये शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, ये लाहौरी है ते लोरियें लोरी जड़े होंगे ना शॉर्टकट रास्ता अपनाते ने ते बाज नहीं आते। इधर आए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मोटरसाइकिल वाले तो लंघ जाते हैं, तेरा ते जालमा रक्षा है क्या? ये रक्षा है ते रक्षा वन में लेके जा रहे हैं, रक्षा सवारी ने कहा से उनकी कार मजबूरी है की करी तो आ रहे हैं इतो दरबार तो जाना किथे यादगार ते वन में जाएगा पुठा रास्ता अपनाते ही नहीं नहीं एना नु और भी हांजी जानना पुठे रास्ते नहीं सर मेहरबानी करो पुठे हाथ तो रोटी खाना है नहीं 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 मेहरबानी करो सवारियां ने क्या उम्र की है तेरी आया कोई 25-26 साल 25-26 साल ब्याह होया तेरा 27 साल है ब्याह होया ब्याह ये बच्चे किने ने ब्याह होना है ये लाइसेंस बने है तेरा लाइसेंस ऑन बनांदे पे हां कागज हुन बनांदे पे हां रक्षा पहले ले ले सर जी बना लगे न हुन दफ्तरां जा रहे हैं हुन स्नैक्स कार्ड चलान होया कदो होया हो गए 4-5 दिन हो गए ये जमा ही नहीं करवाया नहीं जे कचहरिया जाना ना पता ही नहीं सी बंदे तुहानू रोकदे ही नहीं हैगे सर लोग रोकदे ना वार्डन वाले तुहानू रोकदे नहीं रोकदे ना तुहानू मोबाइल वेखदा रहना कि नहीं
ਬਟਨਾ ਵਾਲਾ ਬਟਨਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਘਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਨਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਮ ਉਮਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵਨਵੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਗਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਇਨ ਜੈਸੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲਈ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਤਨਾ ਮੋਟਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਇਹ ਡੰਡੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵਨ ਵੇ ਜਾਏਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਏਂਗੇ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਈਡ ਪੇ ਲਗਾ ਦੋ ਬੇਟਾ ਸਾਈਡ ਪੇ ਲਗਾਓ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਵੋ ਬਨਵਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆ ਹੋਰ ਬਨਵਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦਿਆ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੋ ਨਹੀਂ ਬਨਵਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਨੇ ਪਕੜਾਈ ਹੈ ਆਪਕੋ ਬਾਈਕ ਘਰ ਵਾਲੋ ਨੇ घर वालों को पता नहीं है कि आजकल बच्चों को हवालात के अंदर दे रहे हैं छोटे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है लाइसेंस नहीं है उसको पकड़ कर हवालात के अंदर बंद कर रहे हैं ये घर वालों को पता नहीं है किसने दे दिया आपको बाइक रोज ही जाते हैं हम बाइक बेटा पहले हालात हो रहे थे अब हालात हो रहे हैं मोबाइल यूज़ करते हो सोशल मीडिया देखते हो नहीं मोबाइल नहीं देखते घर में टीवी है जी न्यूज़ चलती है जी न्यूज़ वगैरह देखते हैं पापा हैं जी देखते हैं न्यूज़ में बार बार बता रहे हैं कि बच्चों को बाइक ना दें क्योंकि आजकल हालात ख़राब हैं पुलिस वाले पकड़ के या वार्डन वाले पकड़ के इस्तखासा देते हैं बच्चों को हवालात के अंदर बंद कर रहे हैं लाहौर की सारी हवालातें भर चुकी है बच्चों से आप लोगों को पता नहीं था ये मुझे ऊपर से हेलमेट भी नहीं लिया हुआ बेटा आपने ये कितनी गलत बात है ये दिखाएं जरा वन वे आ रहे हैं सारे दिखाएं यहाँ पर कोई वार्डन वाला नहीं है वार्डन वाले को यहाँ पर होना चाहिए था एक ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात खड़ा करना चाहिए था एक ट्रैफिक पुलिस वाले को उस जगह पर जहाँ पर वो कट है मोड़ है क्योंकि यू टर्न है यहाँ पर ये शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि यार इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे क्योंकि इतनी स्पीड से यहाँ से ट्रैफिक जा रही है और ये लोग बेटा आप ही वन वे रहे हो यार ओ भाई कुछ है भी नहीं उम्र भी कम है आईडी कार्ड भी नहीं है लाइसेंस भी नहीं है और वन वे भी आ रहे हो यार हैं ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना हुआ ये तो ज्यादती है यार ओ इधर से जान प्यारी नहीं है इधर से हम कई दफ़ा जा रहे हैं आगे भाई का स्कूल है जान प्यारी नहीं है जी प्यारी है अगर अल्लाह ना करे गाड़ी के साथ हिट कर जाओ या कोई भी हादसा हो जाए तो माँ बाप शर्मिंदा होंगे माँ बाप पीछे भागेंगे फिर हॉस्पिटलों में या पुलिस पकड़ के हवालात के अंदर बंद कर दे तो फिर माँ बाप आप लोगों के पीछे जलील होगी जमानतें करवाएंगे देखा आज के बाद आपने बाइक नहीं चलानी जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा ठीक है आपने बाइक खड़ी कर देनी है आप पैदल आए 11 नंबर की गाड़ी में आए 11 नंबर का पता है ना दोनों टांगों पे पैदल जाएं पैदल आएं जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा आपका आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपने बाइक नहीं निकालनी है जी ये मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ नहीं तो कल हवालात में बंद कर देंगे आपको जी ठीक है ना अब आप यू टर्न ले वापस जाएं यहाँ से वापस जाएं मैं आपको वन वे नहीं जाने दूंगा वापस जाएं भाई नहीं भाई वापस जाएं ऊपर से आ जाएं वन वे जाएं